हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के प्रोज सेक्शन के तीसरे चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज के कुछ शॉर्ट आंसर्स और उनके जो है कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है आपको दे रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ वाज द एटमॉस्फियर When Tut's body was taken for CT scan, जब किंग टूट के बॉडी को CT स्कैन के लिए लाया गया उस समय वातावरण क्या था? आंसर है वायलेंट विंड रेज्ड घोस्ट लाइक शेप्स ऑफ डस्ट। जिस दिन किंग टूट के बॉडी को CT स्कैन के लिए लाया गया उस दिन जो है तूफ़ानी हवाएं जो भूतों के जैसे आकार में जो है धूल को उड़ाती हुई बह रही थी। बल्गिंग क्लाउड्स मूव्ड क्विकली अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, और उस जो है आसमान को पार करती हुई या आसमान में बल्गिंग क्लाउड्स उमड़ते हुए बादल बहुत ही तेजी से जो है बढ़ रहे थे। एंड हाइड द स्टार्स इन द ग्रे स्काई, और जो है आसमान में तारों को वो क्या कर रहे थे, छिपा रहे थे। अर्थात जब धुंध जो है उड़ रहे होंगे तो निश्चित है कि आसमान में तारे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट वर द थिंग्स बरीड विथ टूट्स मम्मी। टूट की मम्मी के साथ कौन कौन सी वस्तुओं को दफनाया गया एंड व्हाई और क्यों? आंसर है प्रीसियस कॉलर्स, कीमती कॉलर्स, इनलैंड नेकलेसेस, जड़ाऊ जो है हार एंड ब्रेसलेट्स, कंगन, रिंग्स, अंगूठियां, एम्यूलेट्स, ताबीज, ए सेरिमोनियल एप्रॉन और अनुष्ठानित जो है एप्रॉन, एक प्रकार का ये पोशाक होता है जो इसको हम पेट बंद पोशाक भी कह सकते हैं, वो सैंडल्स जो है चप्पल, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज वर द थिंग्स, और उसके हाथ और पैर की अंगुलियों के लिए जो है दास्ताने, और जो है ये सारी वस्तुएं थीं जो बरीड विद टूट्स मम्मी, जिन्हें टूट की मम्मी के साथ दफनाया गया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रॉयल्स बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ टेकिंग देयर वेल्थ विद देम। राजवंश के या शाही लोगों को यह विश्वास था कि वे अपने साथ जो है अपने धन संपत्ति को भी लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज द फेरोज कर्स। फेरो लोगों का अभिशाप क्या था या क्या है? आंसर है द कर्स ऑफ द फेरोज इज अ कर्स एलीज्ड टू बी कास्ट अपॉन एनीवन हु डिस्टर्ब्स द मम्मी ऑफ एन एंशियंट इजिप्टियन स्पेशली ऑफ फेरोज। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि द कर्स ऑफ द फेरोज, फेरो लोगों का अभिशाप, इज ए कर्स, एक ऐसा अभिशाप है एलीज्ड, जो कथित है, मैंने एक ऐसा कथित अभिशाप है जो ये कहता है कि टू बी कास्ट अपॉन एनी वन, कि यह अभिशाप किसी भी ऐसे व्यक्ति पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लग सकता है हु डिस्टर्ब्स द मम्मी ऑफ एन एंशियंट इजिप्टियन, जो प्राचीन इजिप्ट के किसी व्यक्ति के मम्मी को डिस्टर्ब करता है। अर्थात जो भी जो है प्राचीन काल में दफनाई गई जो है किसी इजिप्ट के निवासी का, उसकी मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, उसके ऊपर फेरोज का अभिशाप लगेगा। स्पेशली ए फेरो, यदि विशेष तौर पर वह किसी फेरो के
मम्मी को डिस्टर्ब करता है तो उस पर जो है फेरोज का कर्स आएगा, मैंने फेरो लोगों का अभिशाप लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज जाही हवास, जाही हवास कौन है? तो आंसर लिखा गया है, जाही हवास इज एन इजिप्टियन आर्कियोलॉजिस्ट। जाही हवास मिस्र देश के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अर्थात पुरातत्व विज्ञान के जानकार हैं, इजिप्टियोलिस्ट है ना, इजिप्टोलॉजिस्ट। वह जो है मिस्र देश के, मिस्र के इतिहास को या पुरातत्व जो है ज्ञान रखने, पुरातत्व वस्तुओं से संबंधित ज्ञान रखने वाले एक महान जो है मिस्रवासी हैं। एंड फार्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और जो है फॉर एंटीक्विटीज अफेयर सर्विंग ट्वाइस, और दो बार सेवा करने वाले जो किसमें, फार्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटीक्विटी एंटीक्विटीज अफेयर्स में जो है 2 साल तक सेवा करने वाले ये पूर्व मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच क्वेश्चन स्टिल लिंगर अबाउट टुट, राजा टुट से संबंधित कौन सा प्रश्न अभी भी जो है व्याप्त है? आंसर है, द टू बिगेस्ट क्वेश्चंस, दो सबसे बड़े प्रश्न दैट स्टिल लिंगर अबाउट किंग टुट, जो अब भी राजा टुट के बारे में जो है अटकलें बनी हुई हैं, आर हाउ, वो ये हैं कि हाउ ही डाइड, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड ही वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, या वह अपनी मृत्यु के समय कितनी आयु का, मतलब उसकी उम्र क्या थी। डिस्पाइट बींग द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड द फ्यूनरल ऑफ ए डायनेस्टी, अर्थात जो है डिस्पाइट के बावजूद बींग द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपने परिवार का अंतिम सदस्य होने के बावजूद, एंड द फ्यूनरल ऑफ ए डायनेस्टी, और जो है क्या चीज, राजवंश के जो है फ्यूनरल के बावजूद, द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग एंड आफ्टर मैथ रिमेन अनक्लियर, उसके मृत्यु के डिटेल्स माने सबूत आज भी क्या हैं, अस्पष्ट बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यह इसका आंसर जो है लिखा गया है और कोशिश किया गया है कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, इसे आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। थैंक यू।